हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमा और आप देख रहे हैं यूट्यूबर शोमा एंड सन्स। तो अ वेरी वेरी छोटी होली टू ऑल ऑफ यू। और आज है छोटी होली और कल है बड़ी होली, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो आज सुबह से तो रेगुलर अपना जैसे जो काम होता है घर का वो होता गया, पर इस समय 5:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कल की थोड़ी तैयारी करके रख लें, क्योंकि कल सुबह से ही बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा जो घर को सेट करना है होली के हिसाब से। तो जो घर को डेकोरेट करना है होली के हिसाब से, थोड़ा छोटा छोटा जो कुछ डेकोरेशन होता है, कवर चेंज करना है, ये सब कुछ मैं आज ही रात में ही करके रख लूंगी, फाइनल कर लूंगी। और बस ये वाला जो बेडरूम है इसमें जो बेड कवर है ये सुबह डाल देंगे, क्योंकि फिर अगर बेड कवर बिछा देंगे फ्रेश तो वो सुबह तक फिर से पूरा खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो कल करेंगे। और बाकी जो पूरा घर है वो साफ करना, और स्पेशली जो गुजिया बनाना या कुछ भी खाने के लिए जो अच्छी चीजें बनती हैं वो सारा चीज मैं अभी करने जा रही हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी करके रख ली है। क्या क्या तैयारियां की है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो गुजिया मैं बनाऊंगी, गुजिया इस बार मैं बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ, और थोड़ी सी मैं बाहर से भी लेकर आई हूँ, क्योंकि ज्यादा ये लोग खाते नहीं है, तो और यहाँ पे इतना ज्यादा कोई आने जाने वाला लोग नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बनती हैं चीजें। और इसके पहले पिछले साल तक तो मैं खूब सारी चीजें बनाती थी, लाइक नमकीन जो खुरमे होते हैं वो भी बनते थे, मीठे वाले खुरमे बनते थे, और मट्टी वगैरह सब कुछ घर में। लेकिन अब ये लोग इतना खाते नहीं है, फिर वो काफी दिनों तक रखा रहता है तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चीजें ये लोग पसंद करते हैं, गुजिया और दही बड़े, ये सब चीजें मैं बना लूंगी जो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा वो मट्टी वट्टी जो तल के बनता है वो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि कोई खाता है नहीं, और दूसरा वो थोड़ा हेल्दी नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए ये सब चीजें मैं बना लूंगी। तो आज जो है घर को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे फेस्टिवल के हिसाब से, होली के हिसाब से। तो एक तरह से ये होली की प्रिपरेशन के लिए वीडियो है, तो पहुंचेगा तो आपके पास कल, और जब टाइम मिले तो जरूर देखिएगा वीडियो को। और मेरा डेकोरेशन कैसा लगा या किस तरह या कैसा और इसमें क्या कर सकते थे वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है और 5:30 बज गया है, और शायद मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे आज, क्योंकि फेस्टिवल है तो इसलिए ऑफिस में इतना वो नहीं रहता, लेट रुकने तक का कुछ नहीं है। बोल रहे थे कि शायद सभी लोग जल्दी चले जाएंगे, और सबको ही घर में कुछ ना कुछ काम रहता है। तो मैं जा रही हूँ किचन में गुजिया बनाने के लिए। तो गुजिया की जो प्रिपरेशन होती है, मैंने जो खोया था उसको भून के रख दिया है, और उसमें चीनी मिला दी है, जो पिसी हुई चीनी होती है वो मिला दी है, और चीजें मैं मिलाने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या मिलाती हूँ। और साथ में जो भी उसका आटा वगैरह होता है वो सान के रख देंगे, और आधे घंटे के बाद बनाएंगे, जब आटा थोड़ा सा फूल जाए तब उसके बाद बनाएंगे, तब ज्यादा अच्छी बनती है। और तब तक घर का जो सजाने का काम है वो सब कर लेंगे फटाफट, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर। तो ये जो है भुना हुआ मावा था, इसमें मैंने थोड़ा पिसी चीनी मिला ली है, थोड़ा मुझे कम लग रही थी मैंने और थोड़ी सी मिला ली है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में जो भी लम्स वगैरह होंगे उनको तोड़ लेंगे, साथ में जो इलायची होती है ग्रीन वाली उसके छिलके मैंने हटा दी है, और इलायची के दानों को मैंने यहाँ पे रख लिया, इसको कूट लेंगे अच्छे से, और इसका पाउडर इसमें डाल दिया जाएगा। और साथ में जो मेरा ये चॉपर है, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग्स में भी, तो ये जो चॉपर है इसमें ही मैं सारे नट्स जो हैं वो उनको क्रश कर लूंगी, और वो इसमें डालेंगे, तो बादाम काजू जो भी है वो डालेंगे। और मैं हमारे घर में कोई भी वो नहीं खाता, नारियल या गरी डला हुआ नहीं पसंद करता है गुजिया, तो वो छोड़ के बाकी सारी चीजें हम लोग डाल लेंगे।
तो उसमें हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने मिक्सी में इसको चला दिया। तो ये ऐसे देखिए पाउडर जैसे दरदरा सा पाउडर बन गया है, और ये काफी अच्छा लगता है अगर नट्स को इस तरह से क्रश करके डाला जाए। तो ये इसको मैं उसमें खोए में मिला दूंगी। तो ये किशमिश है, किशमिश को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और नहीं तो फ्राई करने पे ये फूलने लग जाती है, तो इसको मैंने चॉप कर लिया है। और मैं ये किशमिश डाल दूंगी इसमें, अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और साथ में चिरौंजी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और साथ में अब आटा भी इसका तैयार कर लेंगे गुजिया का। अब यहाँ पे मुझे गुजिया के लिए आटा तैयार करना है, और इसको मैं गूंद के रख दूंगी। तो ये मैदा है या ऑल पर्पस फ्लोर जिसे हम लोग कहते हैं वो ले रहे हैं, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा जो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल होता है उसी का मैंने मोयन लगाया है। और मोयन का मतलब है कि आटा सानने के टाइम पे जो हम लोग ऑयल डाल देते हैं और उसको थोड़ा देर मतलब मिक्स करते हैं अच्छे से कि प्रॉपर ऑयल पूरे आटे में बराबर से आ जाए। और मोयन को जब आप डालिए तो उसको चेक करने का यही तरीका होता है कि आप उसको मुट्ठी बांध के देखिए और उसको तोड़िए, तो वो दो हिस्सों में टूटना चाहिए, तो वो परफेक्ट मोयन होता है। तो अब मोयन ठीक से हो गया है, उसको दोनों हाथ से मैंने मसल मसल के प्रॉपरली कर लिया है। अब हल्के गुनगुने पानी से मैं ये आटा सान रही हूँ, इससे जो आटा सनता है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, इसलिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी से मैं सानती हूँ। अब मेरा आटा सन के तैयार हो गया, अब इसको क्लिन फॉइल से लपेट के रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिन फॉइल ले रही हूँ, और ये क्लिन फॉइल में मैं लपेट के आटे को रख देती हूँ। कोई भी आटा जब भी होता है रखना होता है तो मैं इसमें लपेट के रखती हूँ, और आप चाहे तो गीले कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, तो उससे भी अच्छा हो जाता है। तो इसको अच्छे से चारों तरफ से लपेट के और आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तो अब टाइम हो गया है शाम की पूजा का, यानी शाम की दियाबाती का। तो ज़्यादा कोई पूजा नहीं रहती है मेरी, बहुत ही मतलब हल्का सा दिया ही मुझे जलाना होता है। तो यहाँ पे एक तेल है, ये पांच तेलों से मिलके बनता है, इससे मैं दिया जलाती हूँ। तो ये मैं दिया जलाती हूँ, एक चिराग जला देते हैं और एक धूप बत्ती थोड़ी सी अच्छी लगती है शाम के टाइम में, घर में थोड़ा फ्रेग्रेंस सा रहता है तो अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं कपूर भी रख देती हूँ उसके नीचे, धूप बत्ती के जस्ट नीचे कपूर रख देती हूँ। आज मैंने नहीं रखा था, आज मैंने सुबह रखा था इसलिए इस समय मैंने नहीं रखा है। और बस यही छोटी सी पूजा है जो शाम को मैं करती हूँ। तो अब टाइम हो गया है शाम की चाय का, और साथ में बच्चों को दूध देने का टाइम है। तो मैं शिवान को यहाँ पे हल्दी वाला दूध देने जा रही हूँ। तो ये कैसे बनाते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कौन सा हल्दी यूज़ करते हैं, मेरे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को। और हम लोग चाय पियेंगे आज, बहुत टाइम हस्बैंड जो है जल्दी आ गए हैं ऑफिस से घर, तो मैं हम लोग साथ में चाय पियेंगे। तो जो इलायची के दाने थे वो मैंने पीस के खोए में डाला था, और जो गुजिया के लिए फिलिंग बनाई है तो उसके जो छिलके थे वो मैंने चाय की पत्ती के कंटेनर में डाल दिया है। और इस तरह से जब भी इलायची फ्लेवर चाहिए होगा तो वो छिलके अगर डाल लीजिए चाय में तो अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन के तैयार है।
शारु आओ चाय पी लो। शारु को लग क्या हो गया? ओहो आ जा 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 आ जा कौन है? आओ तब मैं दूध चला गांव के होगा देखना चाय नहीं करने तुमने। हाँ बता बेटा। हाँ ये खाएगा ये चाय खाएगा ये अच्छा है नहीं अच्छा अच्छा है क्या हुआ शिवान तुम्हें मुख को लटका के बैठा शिवान का मन कर रहा है नीचे जाने का नहीं कल कल तुमने बैलून फेंका था ना लोगों के पास वो लेडी चिल्ला रही थी नो तुम्हें जाना नीचे अच्छा खिला चार क्या लोगे बताओ ये नमकीन खाएगा लो लो बस शिवान किसी के ऊपर पानी का बैलून रात में नहीं फेंकते बेटा आज हम लोग चाय के साथ में बेसन की सेव खा रहे हैं दालमोठ टाइप का है नमकीन टाइप का है और साथ में बिस्किट खा रहे हैं वो सॉल्ट एंड स्वीट कौन सा होता है 50-50 बिस्किट हम लोग खा रहे हैं क्या खा रहे हैं शाहरुख को नमकीन अच्छी लगी और ले लो चीज चिल्ला रहे थे और पहले पहले के टाइम में इस समय जो होता था वो पूरा ये सब सामान बन जाता था ना बैटरी और बहुत सारी घर की चीजें बन जाती थी ना वही नाश्ता होता था वही नाश्ता रात में भी वही नाश्ता सुबह भी वही ब्रेकफास्ट में होता था और उसके बाद सब लोग होली वोली खेलने चले जाते थे और गुजिया खाते थे और जो घर की बनी हुई चीजें होती थी वो सब खाते थे पहले लेकिन इतनी सारी चीजें बनती थी पहले जो आसपास की जो लेडीज होती थी आस पड़ोस में इतने अच्छे होते थे कि सब एक दूसरे के घर में जाके मिल के बनवा लेते थे स्पेशली जैसे पापड़ चिप्स वगैरह बड़ी बड़ी होती थी काफी सारी लेडीज घर में ही होती थी और सब लोग मिलके बना लेते थे अभी क्या है एक एक लेडी होती है तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है जब कोई फेस्टिवल आता है हम लोग याद है जब बचपन में हम लोग के घर में बगल में जो आंटीज वगैरह होती थी वो पहले से ही आना शुरू कर देती थी और चीजें बनती थी तो वो लोग मम्मी के संग मिलके पापड़ बनाना चिप्स बनाना और काफी टाइम पहले से ही उन लोगों का सारा प्रोग्राम शुरू हुआ था ऐसा कुछ नहीं बच्चों की ड्यूटी लग जाती थी पापड़ बनाना और बच्चों की भी ड्यूटी लगती थी और कि छत पे जाके डाला उसको और बार बार देखना कि कहीं कोई चिड़िया है या बंदर वहां पे ना आ जाए तो वो सब मिल बांट के सारे काम होते थे अभी तो हम लोग की बालकनी इतनी छोटी छोटी है कि कुछ बन भी नहीं पाता है लाइट सिस्टम नहीं बेटा शाहरुख गिर जाएगा गिर जाएगा आ इधर इधर आम की लाइन में देखो देखो बाय करो तो जल्दी से चाय पी लेंगे और चाय पीने के बाद गुजिया बनाएंगे और शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो शायद मुझे दो पार्ट में इसको देना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर देखने में मजा नहीं आएगी तो मैं सोच रही हूँ कि आज गुजिया बनाने का कर देते हैं और दूसरे पार्ट में जो घर को डेकोरेट करना है वो कर देंगे तो इससे आपको तो अभी आटा सने हुए मुझे आधे घंटे से ज्यादा हो गया है तो अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी गुजिया बना के निकाल लेती हूँ और आज जो हमारे बगल वाली सोसाइटी है उसमें बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है तो मंदिर में जो पंडित जी है वो जब भी कभी कोई फंक्शन होता है या कोई त्योहार होता है तो उसमें हमेशा वो भजन वगैरह गाते हैं तो चलिए आपको थोड़ा सा सुनाते हैं अंधेरा है दिखाई तो नहीं पड़ेगा लेकिन सुनाई पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तो देख उसको देख सुनिए थोड़ा सा अभी आरती हो रही है ओ
तो इस समय आरती हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी तो आरती बस अब हो रही है, खत्म होने वाला है वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा था। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और ये आटा मेरा रखा हुआ था, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और थोड़ी देर जो भी आटे होते हैं इनको छोड़ देना चाहिए, तो उससे ज़्यादा अच्छे से ये गफ हो जाता है, या कहिए कि अच्छे से सेट हो जाता है आटा, तो उसके बाद ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये आटा भी मैं गुजिया भी बना लूँगी और साथ में जो दही बड़ा बनाना है उसकी मैं पूरी तैयारी कर लूँगी। और दही बड़ा रात में बना सकते हैं या फिर सुबह भी बना सकते हैं, तो लेकिन दही में मिक्स तो मुझे सुबह ही करना है, तो क्योंकि दही अभी नहीं आई है वो सुबह आएगा, तो वो करके मैं रख लूँगी सुबह और मेरा जो काम है वो हो जाएगा। प्लस जो घर की सफाई करनी है वो रात में ही मैं करके सोऊंगी और उसको मैं एक अलग वीडियो में डालूंगी, जैसे कि मैंने बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं दही बड़े के लिए दाल भी पीस के रख दूंगी साइड में, और अगर टाइम मिलेगा तो ही मैं बनाऊंगी। तो दाल अब हो गई है। तो मेरे पास गुजिया बनाने के लिए बहुत सारे साँचे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुजिया से बनती है, अलग अलग शेप की बनती है। जैसे ये ट्रायंगल का है और ये ऐसे यहाँ पे लॉक हो जाता है, इसको लॉक को खोलते हैं और ये ट्रायंगल शेप की गुजिया से बन के तैयार होती है। और ये जो ट्रेडिशनल शेप होता है गुजिया का, ये वो है। और इसके अलावा मेरे पास गोल गुजिया बनाने के लिए भी है। तो गुजिया भी इससे अच्छी बन जाती है, और जब कोई फर्रे वगैरह बनते हैं तो वो भी मैं इससे बना लेती हूँ। और ये तो है ही है, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगता है गुजिया बनाने के लिए वो जो ट्रेडिशनल वाला होता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मदर इन लॉ लाई थी कानपुर से और ये ऑलमोस्ट 12 ईयर्स पुराना है, और मुझे इसी से गुजिया बनाना सबसे अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे से इससे बन जाता है, शेप भी इसका एक बराबर से आते हैं, सारे गुजिया का शेप यूनिफॉर्म रहता है। तो इसी से मैं बनाऊंगी, और जब ज़्यादा गुजिया बनानी होती है तब मैं सब तरह की बना लेती हूँ, अलग अलग शेप की, जैसे ट्रायंगल या गोल है, ये अलग अलग शेप की बना लेती हूँ। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी सी गुजिया बनानी है तो मैं ये वाला शेप यूज़ करूँगी और कोई शेप यूज़ नहीं करूँगी। इसका मैं फिर कभी आपको बना के दिखाऊँगी। तो ये एक कटोरी में मैंने मैदे को पानी के साथ में घोल के रख लिया है, इससे गुजिया जब फिलिंग करेंगे उसके बाद चिपकाने के लिए यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे गुजिया बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बार गोल और जो ट्रायंगल शेप ट्राई करके देखते हैं कि आखिर बनता कैसा है। इसमें गुजिया तो अच्छी बनती है लेकिन फिलिंग बहुत ज़्यादा भरनी पड़ती है तब अच्छी बनती है। और दूसरा चीज़ है कि जो इसका जो कटिंग वाला है वो ज़्यादा अच्छा शार्प नहीं है, तो गुजिया उतने फाइनली अच्छे से कटती नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा। लेकिन आज मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। और
तो ये जैसे इसको भर के और ये दबाया है, तो ये जो गोल प्रॉपर शेप आना चाहिए वो शेप आता नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल से कटता है। बस इसमें काटने का जो है ना वो अच्छा नहीं है, बल्कि मेरा जो पुराना जो ट्रेडिशनल वाला है उसमें काटने वाला बहुत शार्प एज है, तो बहुत अच्छे से कटता है। तो इस तरह से ये गोल वाली तैयार हुई है, और ऐसे ही ये ट्राइंगल शेप वाली है, और ये तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रही थी, गोल वाली उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने ये सिर्फ दो ही बनाई हैं, और बाकी जो अपनी ट्रेडिशनल जो शेप होता है, और एक्चुअली वही अच्छा लगता है गुजिया। तो ये ट्राइंगल वाली भी बन के तैयार हो गई, इस तरह से कुछ है। शिवान बोलो कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, चलो अच्छा है। नहीं जाए तो खा कर रहा हूं। कालो कालो कालो। ओके ये वो फोटो लिया थम की चाहिए, बंद कर। चारू को पसंद आ गई। अच्छी बात है, खा ले तो लो, टू खा लेना ठीक है।